नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये जो टॉपिक रहेगा जो CGPSC 2021 के अनियमितता जो हुई थी उस पर जो वर्तमान मौजूदा सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, उसका क्या स्टैंड है। ठीक है, मतलब कह लीजिए कि CGPSC की अभी क्या वर्तमान स्थिति है, क्या भविष्य में भी ऐसे ही चलेगा या फिर कुछ सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं। देखिए, हम सब जो एस्पिरेंट हैं, हम सभी के लिए बहुत दुख की बात तब होता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं, लगन से पढ़ाई करते हैं, सालों साल हम उम्मीद करते हैं कि अब वैकेंसी आएगी और हम उसकी लंबे अरसे से तैयारी कर रहे होते हैं, और बाद में हमको पता चलता है कि जब रिजल्ट जो आया वो तो सही से आया ही नहीं है, उसमें बहुत सारा धोखाधड़ी हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें अनियमितता हुई है। ठीक है, पता है कि जो CGPSC 2021 है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह के उसमें विवाद देखने को हमको मिला। ठीक है, जैसे कि जो बड़े नेता थे, जो हमारे जो CGPSC के अध्यक्ष थे, ऐसा बोला जाता था कि जो नेता हो गए, जो अध्यक्ष हो गए, उनसे की जो रिलेटिव्स हैं उनका चयन हो गया था। ठीक है, मतलब परिवारवाद देखने को उसमें भी मिला, जबकि जो CGPSC है पूरी तरीके से एग्ज़ाम बेस्ड है। ठीक है, पूरी तरीके से हमको अपने मेहनत से, हमको अपने ईमानदारी से पढ़ लिख कर इस एग्ज़ाम को निकालना होता है। लेकिन अब इतना जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जो कि हमारे राज्य सरकार की प्रशासन को चलाता है, अगर उसमें भी इस तरह के व्यवहार अगर देखने को मिलेगा, इस तरह से नाइंसाफ़ी अगर देखने को मिलेगा एस्पिरेंट्स के साथ, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक, कई तरह के प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिला था कि जो लीडर्स थे, जो अध्यक्ष हैं, जो नेता थे, उनके जो परिवार के सदस्यों को मिला, वह अपना सरनेम छुपा के नियुक्त किए गए, चयनित किए गए थे, तरह तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिला। मेरिट लिस्ट में रोल नंबर किसी लड़का का है, किसी लड़की का है, और जब फाइनल मेरिट बन के आता है तो उसी रोल नंबर के नाम पर कोई लड़का जो है उसको चयनित कर लिया गया था। मेंस के आंसर शीट में भी तरह तरह का देखने को मिला कि जो बहुत गलत लिखा है उसको फुल मार्क्स मिला है, जबकि आंसर एकदम दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं था क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कुछ दिया गया है और नंबर फुल मिल रहा है, और जो बेचारा बहुत अच्छे से लिखा है उसको तो कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है। इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिला, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेट PCS होता है किसी भी स्टेट का, जैसे CGPSC है, ये बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड जॉब होता है, बहुत रेप्यूटेड होता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा भी इरेगुलरिटीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम सभी को पता है कि 2021 में जो वैकेंसी आई थी, लगभग 170 पदों की भर्ती निकाली गई थी अलग अलग 12 विभागों से। ठीक है, इसमें जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिला तो हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चली। ठीक है, जो हमारे पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर थे, उन्होंने एक याचिका भी लगाई थी कि जो ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी, और उसी के बाद इसकी जो ज्वाइनिंग थी 2021 की, उसको रोक दिया गया, क्योंकि अभी भी उसमें कंफर्म नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी चल रहे हैं। अब जो मौजूदा सरकार है, अब उसका क्या स्टैंड है, हम इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है, एक्सपीरियंस है, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो ही रहा है और ये होना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बहुत अधिक होना चाहिए इसमें, कोई भी छुपा छुपाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग भाई 4 साल 5 साल के लिए मेहनत करता है और जब रिजल्ट की बात आती है तो उसको कुछ मिलता ही नहीं है। इस तरह से वो पूरी तरीके से टूट जाता है, उम्मीद ही नहीं बचता है कि भाई आगे पढ़ाई करे कि क्या करे। ठीक है, उसके सारे सपने जो है टूटता हुआ नज़र आता है। तो अभी जो वर्तमान मौजूदा सरकार है CGPSC के अंदर, उसके कई सारे स्टैंड देखने को मिलता है। देखिए, इससे पहले की जो सरकार थी उसने क्या किया था, आई थिंक, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हम जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी क्या भावना होती है, वो किस तरह से जूझ रहे होते हैं अपनी परिस्थितियों से, उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ बेसिकली। बाकी मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, बस हम सभी के साथ जो मेहनत से अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके साथ गलत ना हो, मैं बस ये चाहता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले जो CBI जो है, हमारे जो राज्य का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी बात पे CBI जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ये 2021 का CGPSC का जो मामला है, इस पे जो है CBI अपना देख सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो वर्तमान सरकार है, CBI को ऐसा अनुमति दे रही है, मतलब कि हमारे जो CGPSC का जो घोटाला हुआ है या फिर जो भी अनियमितता हुई है उसकी देख कौन करे, CBI करे। ठीक है, 2003 में भी ऐसे ही CGPSC में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला था, उस समय जो SB द्वारा इसको जांच किया गया था। ठीक है, फिर भी उस समय कोई नतीजा नहीं मिला था, लेकिन इस बार का जो मामला है बहुत गंभीर है और मुझे तो लगता है ट्रांसपेरेंसी बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो CBI की जाँच है बहुत अधिक आवश्यक हो गया है इस मामले को लेकर। ठीक है,
और मुझे तो ऐसा भी सुनने को मिला, न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा कि जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, जो इससे पहले के जो अध्यक्ष रहे हैं, उनका शायद नार्को टेस्ट की भी बात चल रही है और ये बात बहुत बढ़ चढ़ के चल रही है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि जो 2021 का जो रुका हुआ है रिजल्ट, उसको फिर से शायद जारी किया जाए या फिर भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें सही सही कम से कम रिजल्ट निकाला जाए। एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए रिजल्ट के साथ, सारे चीज़ों के साथ। ठीक है, मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, हम सब हैं, हमारे साथ कम से कम प्रॉब्लम ना हो। भाई जो नेता के बेटे हैं, जो बहुत रईस हैं, उनके पास दौलत है, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही कर सकते हैं। लेकिन हम जो हैं, जो केवल हम अपने मेहनत के भरोसे ही जीते हैं कि हमको जो कुछ करना है अपने मेहनत के दम पे करना है। हमको घर से हमारे जो एंसेस्टर है उनसे इतना ज़्यादा तो मिला नहीं है कि हम उसी के सहारे जी सकते हैं। हमको जो करना है खुद को करना होता है, इसीलिए हम अपना पूरा जो है अपना 25 साल 30 साल तक का जो उम्र है इसी में झोंक देते हैं कि कुछ हम अपना भविष्य बना लें। इसीलिए मुझे सरकार से भी दरख्वास्त रहेगी, ठीक है, कि जो एग्ज़ाम हो सही तरीके से लिया जाए और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो मेहनत करके वाकई में पढ़े हैं, उन्हीं को ये सारे पोस्ट दे दिया जाए। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार करते हुए अगर कोई इन पोस्ट पे पहुंचेंगे तो पक्का आज न कल वो भ्रष्टाचारी ही बनेंगे। इसलिए जो मेहनत से पहुंचेगा, जो अपना दुख दर्द को सहते हुए वहां पर पहुंचेगा, वो इन सारे चीज़ों को समझेगा और वह ईमानदारी के साथ अपना जो है जॉब को कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भविष्य में इसके लिए और क्या अपडेट हो सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही मैं कह के बात करूंगा कि अगर सरकार ऐसा करती है, CBI जांच होता है और फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा और आगे के भविष्य के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी बने रहेगी तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा से होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें बस इतना ही, धन्यवाद।